बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कराची में माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त और धुआंधार सी बारिशें हो रही हैं और अच्छी भी बहुत लग रही हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी और बारिश होने से मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज है ना बारिश के ही हवाले से रेसिपी बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मीठी टिकिया। वैसे तो बारिश में लोग पकोड़े वगैरह, गुलगुले ये सब भी बनाते हैं, तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। मीठे गुलगुले और पकोड़े वगैरह जो होते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज मीठी टिकिया बना रही हूँ मैं, और जो बहुत सिंपल और ईजी भी होती हैं लेकिन खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस सारा ये इंतज़ाम कर लिया था मैंने, निकाल के रख ली थी सब चीज़ें, और ये इलायची भी मैंने कूट ली। इसमें आप जितनी ताज़ी कुटी हुई इलायची डालेंगे ना, इतने मज़े का ही इसमें इसका स्वाद आता है। तो बस इस फ्रेश कूट कर ही आप डालिएगा। और अब पहले हम मैदा छान लेते हैं, और ये है चीनी पिसी हुई। इसमें पिसी हुई चीनी डालूंगी मैं, लेकिन 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें है ना साबुत चीनी भी ऐड करूंगी, क्योंकि जब उसका क्रंची सा वो आता है ना साबुत चीनी का, तो बहुत मज़े का लग रहा होता है उसमें मीठी टिकिया में। तो चलें देखें आप लोग भी। तो मीठी टिकिया बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 1/2 kg मैदा ले लेंगे। 1/2 किलो मैदा है ये, और इसे आप छान के डालिएगा, क्योंकि अक्सर इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से होते हैं। तो बस पहले से हम छान लेंगे अच्छे से, और आटे छानने की छन्नी हो उससे भी आप छान सकते हैं। तो ये मैंने मैदा छान लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 6 टेबल स्पून भर के सूजी के, ठीक है। इससे बहुत खस्ता सी हमारी टिकिया बनेगी। और 1 कप की अगर मैं टिकिया बनाती हूँ तो उसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब 2 चमचे सूजी डालती हूँ भर के। यह है 3 कप मैदा 1/2 किलो के करीब, तो इसमें मैंने 6 चमचे सूजी के ऐड करे हैं। और यह है खशखाश 1 टेबल स्पून, और ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसे डालिएगा, वरना नहीं। और यह है पिसा हुआ नारियल खोपरा, ठीक है, ये भी अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप कर दिएगा। और यह है वाइट तिल। वाइट तिल बहुत पसंद है मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, इसलिए मैंने ये 2 टेबल स्पून भर के डाले थे। और आखिर में डाला था मैंने इसमें इलायची पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे 6 टेबल स्पून भर के घी के, ठीक है। और घी हम की जो क्वांटिटी होगी वो जब पता चलेगी जब हम इसे मिक्स करेंगे, और आखिर में जब हम इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हमने जो इसमें मॉइन डाला है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अगर कम होगा तो हम और डालेंगे, वरना ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है चीज़ों की, ये एग्जैक्ट बिल्कुल है ना बिल्कुल परफेक्ट टिकिया आपकी इससे बनेंगी, अगर आप सेम मैटर से इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। और 6 टेबल स्पून भर के आपको घी के डालने हैं, और इसे अच्छे से है ना मिक्स कर लेना है हाथों से मल मल के। और ये देखें कितने अच्छे से इसकी मुट्ठी रेडी हो रही थी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, और चीनी जितनी आपको मीठा पसंद हो, कम या ज़्यादा, इतनी आपको ऐड करनी है। मैंने 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा डाली थी, मेरे बच्चे थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। आपको अगर कम खानी है तो आप कम ऐड कर लें। और 1 कप के करीब ये मैंने दूध लिया है, और दूध आपको लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का, और 1 कप भर के इसमें दूध डलेगा, उससे बिल्कुल परफेक्ट आपका डो रेडी हो जाएगा, ठीक है। जो चाय के अमूमन कप होते हैं वो 1 कप से ये डो बिल्कुल गुन जाएगा अच्छे से, और थोड़ा चिपचिपा ही रहेगा ये। अगर हमारा डो चिपचिपा बनता है तो बिल्कुल परफेक्ट होता है कि हमारी जो टिकिया है वो बहुत खस्ता और अच्छी बनेगी, ठीक है। बस इसे हाथों से मल मल के अच्छे से गूंद लेना है, ताकि हमारा जो डो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। और जब ये गूंदने के टाइम पे जब ये रेडी होने लगेगा, तो ये नज़र आ रहा होगा आपको कि हमारा जो थाल है या पैन है वो बिल्कुल खुद ही से साफ़ हो गया है, सारा जो डो है वो आपस में चिपक गया है। यही इसकी परफेक्ट कंडीशन होती है डो की, कि ये बिल्कुल रेडी है। अब 10 मिनट का इसे हम रेस्ट दे देंगे, और 10 मिनट बाद ये देखें हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया था। अब इसको हम बेल लेंगे, एक बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे पहले, और
और ये देखें इसमें इतना मॉइन है कि मेरे हाथों पर भी लग रहा है चिकनाहट, और इतनी खस्ता ये टिक्कियाँ बनेंगी कि आप जब खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। खैर कम घी से भी बन जाती हैं, लेकिन जो टिक्कियाओं का की जो एक बात होती है ना वो नहीं आ पाती। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेम मैटर से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो बस पहले हाथ की मदद से इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर बेलन से इसे बेल लेंगे, और बेलना भी आपको इतनी है जितनी आपको टिकिया की है ना जितनी पतली रखनी हो या जितनी मोटी रखनी हो। ठीक है, मेरे घर में थोड़ी पतली खाई जाती है तो मैं ज़्यादा मोटी नहीं रखूँगी, और टिकिया जो होती है ना वो थोड़ी पतली ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी रख लेंगे तो फिर अंदर से थोड़ी थोड़ी कच्ची रह जाती हैं। तो ये देखें, अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे कट कर लें। मेरे पास गिलास था तो ये मैं इससे एक गिलास के साइज़ की टिकिया कट कर रही हूँ, और बहुत ईजीली ये कट हो जाती हैं। और जो एक्स्ट्रा डो है वो हम हटा लेंगे, और ये मज़ेदार सी हमारी टिकिया रेडी हो गई हैं। बस अब इन्हें फ्राई करना है, और फिर माशाल्लाह ये देखें कितने मज़े की लग रही हैं, और बनी भी बहुत मज़े की थी। खैर जब आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये ऑयल भी मैंने गरम कर लिया था, और ये देखें कढ़ाई कितनी माशाल्लाह से चमक रही है। ये वही कढ़ाई है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में साफ़ करी थी, और तीन तीन चार चार करके हम इसे फ्राई कर लेंगे, और इसे हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। तो आपकी टिकिया बिल्कुल खस्ता और अच्छे सी रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें ये कलर चेंज होने लगा था, तो अब मैं इनकी जो है चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो ये नीचे से भी ऐसे ही सिक जाएंगी, और कितना अच्छा माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ रहा है, रेड रेड सा। और तिल वगैरह भी आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, तिल, खशखाश, नारियल, बहुत मज़े का इनका टेस्ट आया था। आप डाल के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो बस इसी तरीके से मैंने तमाम टिकिया ये रेडी कर ली थी, और इनकी अब फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। खैर इनको तलने में टाइम तो लगता है क्योंकि ये हल्की आंच पे तली जाती हैं, लेकिन बनती बहुत मज़े की और ख़स्ता हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और क्योंकि आजकल बारिशों का भी मौसम है तो ऐसी चीज़ें ही अक्सर अच्छी लग रही होती हैं और खाई भी जा रही होती हैं। तो बस जी हमारी मीठी टिकिया रेसिपी बिल्कुल तैयार है, इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। तो बस यहीं तक थी वीडियो, अल्लाह हाफिज़। और इसे मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। तो ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।